Hello, my dear students. Today we shall solve question number 19 from IIT Jain Mathematics 2024 question paper. बेटा रियल एनालिसिस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है. स्टेटमेंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से बच्चे डर रहे थे थोड़ा, बट क्वेश्चन इज क्वाइट लॉजिकल. आइए. फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, लेट ब्रैकेट एक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स. दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ट्वेल्थ क्लास में पढ़ लिया था आपने. नेक्स्ट, फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, डिफाइन मिनिमम ऑफ एक्स वाई इक्वल टू दिस थिंग. देखो भाई, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ तक कुछ भी रिलेवेंट नहीं है, काम का ही नहीं है. भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, यू नो, एंड मिनिमम दो नंबर्स का कैसे डिफाइन करते हैं भाई, जो उसमें छोटा होगा वही तो लिखा है. तो यहाँ ये भी किसी काम का नहीं है, उसके बाद है काम की चीज. लेट एफ फ्रॉम माइनस टू पाई टू पाई टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, मतलब एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स. उसके बाद कंसिडर द सेट एस इक्वल टू दोज एक्स वेयर एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस. बस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इतना ही है. एक तो ये फंक्शन है मेरे प्यारे प्यारे बेटा, और दूसरा आपको बात करनी है डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ दैट फंक्शन. बस ये तो टिपिकल क्वेश्चन है रियल एनालिसिस का, कॉन्टिन्यूटी का, कि फंक्शन दिया है डिसकॉन्टिन्यूटी पे बात कर रहे हैं. इंटरवल आपका माइनस टू पाई से टू पाई है, तो सब कुछ छोड़ दीजिए ऊपर का, आप सिर्फ एफ एक्स पे ध्यान लगाइए. देखिए क्या लॉजिकल तरीके से आप और हम इसको कर लेंगे. तो सॉल्यूशन मेरे बेटा, ये जो एफ एक्स है मेरे बेटा, ये बन जाएगा साइन ऑफ मिनिमम ऑफ ये एक्स तो एक्स ही रहेगा, इसको चेंज कर दो आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स में, यू नो वेरी वेल. अच्छा जी, अब क्या करना है बेटा जी, अब आप सबको इस साइन को भी छोड़ देना है. पहले ये मिनिमम निकलेगा ना, तब तो पता लगेगा साइन कितना वैल्यू ले रहे हैं. तो साइन छोड़ के ये मिनिमम पे काम कीजिए. एक फंक्शन ये, दूसरा फंक्शन ये, यानी वाई इक्वल टू एक्स कंपेयर्ड विद वाई इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. एवरीबडी नोज, स्कूल का बच्चा भी जानता है कि बेटा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ 45 डिग्री का लाइन बनता है. एंड ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होता है, पीरियोडिक विद पीरियड वन, यू नो कैसे कट होता है वो बनता है. तो थोड़ा सा आइडिया तो ये समझ में आ रहा है हमें कि y इक्वल टू एक्स विल गो लाइक दिस, ये x का ग्राफ है. लेकिन जब आप फ्रैक्शनल पार्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा आएगा आएगा. तो बेटा ये ग्रीन वाले में और व्हाइट वाले में मिनिमम निकालना आसान चीज नहीं है, मिनिमम निकालना, क्योंकि ये नेगेटिव वाले पोर्शन में मिनिमम देखेंगे तो एक्स आएगा, बट पॉजिटिव वाले पोर्शन में मिनिमम देखेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा. तो इसको बड़ा क्लैरिटी के साथ करना पड़ेगा आपको और हमें. आइए जरा, तो हमारा सारा ध्यान है पहले मिनिमम निकालने में एक्स का और फ्रैक्शनल पार्ट का, उसके बाद साइन वगैरह लेके आपको पूरा क्वेश्चन लॉजिकली कराया जाएगा. बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्रैक ना लूज हो, ध्यान से देखो. देखो बेटा, तो सबसे पहले मिनिमम पे काम किया जाएगा एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. बेटा इंटरवल ना भूलें, इंटरवल था माइनस टू पाई से टू पाई, और जैसा कि मोटा मोटा आपने समझ ही लिया मेरे बेटा, क्या समझ लिया कि भाई नेगेटिव वाले पोर्शन में तो मिनिमम आराम से दिख ही रहा है, एक ही वाई इक्वल टू एक्स होगा, बस पॉजिटिव वाले पोर्शन में थोड़ा दिमाग लगाना है. मतलब इधर आपको पॉइंट बहुत क्लैरिटी के साथ लिखने पड़ेंगे, तभी जाके काम होगा. आइए बात करते हैं, पाई का वैल्यू 3.14, तो 2 पाई का वैल्यू आपका 6.2 मान लेते हैं, उसके लगभग होगा. देखो ग्राफ कैसे बनेगा आपका और हमारा ग्राफ, हाँ जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज 6.2 विच इज 2 पाई. एंड इधर से पूरा नेगेटिव ले लेते हैं, ये माइनस टू पाई हो जाएगा. यू नो वेरी वेल क्या कह रहा हूं मैं, उधर जाने की जरूरत नहीं है ना, मैं अपना क्लैरिटी से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज माइनस टू पाई इधर. हाँ जी आइए जरा थोड़ा सा ग्राफ बना लेते हैं बेटा. माइनस टू पाई से टू पाई पे आपको काम करना है. इसमें अगर आप वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाओगे आप सब लोग, सॉरी बेटा ये बन गया y इक्वल टू एक्स ग्राफ, और इसी में अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाएंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, दैट विल गो लाइक दिस, डेफिनेटली ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा.
हाँ जी ऑल ऑफ यू। अच्छा ये 0 से 1 के बीच में भी आई थिंक ये यहाँ तक आएगा, आएगा ही आएगा। हाँ जी मेरे बेटा, अब अगर आपको मिनिमम सिलेक्ट करना है, अगर आप नेगेटिव पोर्शन में हैं तो बेटा मिनिमम दिख ही रहा है आपको साफ साफ, ये मिनिमम है नेगेटिव पोर्शन में। अच्छा कहाँ तक मिनिमम है? यहाँ तक ठीक है, बट 0 1 के बीच में अगर 0 1 पे देखें तो इक्वल है, तो मिनिमम किसी को भी ले लीजिए, मतलब ये 1 तक चल जाएगा रेड कलर का, बट उसके बाद आप देखेंगे मिनिमम इज दिस, 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 मिनिमम इज दिस। ठीक है, अच्छा इतना तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया कि भाई अगर लॉजिकली चलना है तो ये मिनिमम जो है ये 2 भागों में सेपरेट हो जाएगा, पहला एक्स नेगेटिव पोर्शन में कहाँ से कहाँ तक, सो -2π लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, एंड दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट इफ वन लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2π। ठीक है आपके सामने 6.22π, तो ये तो हो गया। ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर का कट रहा है मैं नीचे लिख देता हूँ। ये दिस इज 6 पॉइंट। हाँ जी अब इसका साइन लेना है आपको, साइन सो आइए, तो बेटा एफ एक्स था साइन ऑफ मिनिमम ऑफ दीज टू थिंग्स एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये ब्लू कलर में चल रहा है बहुत ध्यान से देखो, दिस विल बिकम, ये दोनों में साइन लगा दीजिए, तो पहला बना आपका बेटा ये बन गया साइन ऑफ एक्स, एंड जो सेकेंड वाला बना वो बना साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हाँ जी दिस इज -2π -2π लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, एंड दिस इज 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2π। स्टिल अब ये साइन एक्स का कॉन्टिन्यूटी तो सबको दिख रहा है कि यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस ही होगा, बट ये फ्रैक्शनल पार्ट आपको थोड़ा तंग कर रहा है, तो एक काम कीजिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जहां जहां जैसे जैसे ब्रेक हो रहा था फ्रैक्शनल पार्ट वैसे वैसे आप भी लिख दो, देखते जाओ क्या कर रहा है, लॉजिकली चलेंगे कभी नहीं फंसेंगे। तो बेटा इसको सेपरेट करके मैंने लिखा -2π लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1 इज ओके, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए सेपरेट कर दीजिए, 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 2, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 3, 3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 4, 4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, 5 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 6, 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6.2 व्हिच इज 2π। ये यहां तक ठीक है। अच्छा पहले वाले में तो आप साइन एक्स ही लिखेंगे, बट अगले वाले में क्या लिखें, अरे ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू एग्जैक्ट 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 ब्रैकेट एक्स इक्वल टू, वो क्या लिखते हैं आप, एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स ही तो लिखते हैं और क्या करेंगे, तो ये दिस विल बिकम, ये इस इंटरवल में ऐसे तो लिखते हो, लॉजिक क्यों छोड़ देगा यार, लॉजिक से तो क्वेश्चन होता है, सिलेबस से नहीं होता है लॉजिक से होता है क्वेश्चन, बेटा यही सब लिखना है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इसमें आएगा आपका साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट की जगह आप लिख दीजिए एक्स माइनस 1, क्लैरिटी विंस, यहाँ एक्स माइनस 2 मेरे बेटा, नेक्स्ट में आपका एक्स माइनस 3 मेरे बेटा, नेक्स्ट में साइन ऑफ एक्स माइनस 4, नेक्स्ट में साइन ऑफ एक्स माइनस 5, नेक्स्ट में साइन ऑफ एक्स माइनस 6। अच्छा अब जरा इधर आइए आप सभी लोग, बेटा ये कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा है अब देखते हैं, ये 1 के लेफ्ट में, ये 1 के राइट में, बेटा यहाँ 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं करेगा यू कैन सी, एंड 2 पे भी वही प्रॉब्लम है, 3 में भी प्रॉब्लम है, 4 में प्रॉब्लम है, 5 में प्रॉब्लम है, 6 में प्रॉब्लम है, तो ये फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट किन किन पॉइंट्स पे कोइंसाइड नहीं कर रहा, यानी ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे डिसकॉन्टिन्यूअस साबित हुआ, तो यहाँ देख लीजिए, देयरफॉर एफ इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। याद रहे इंटरवल दिया था उसने -2π 2π, -2π से 2π। तो बेटा कैसा लगा आपको सुपर लॉजिक, सुपर लॉजिक, सुपर लॉजिकल क्वेश्चन, सुपर लॉजिकल सॉल्यूशन। ठीक है तो ये 6 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। अब जरा आते हैं वापस क्वेश्चन पे, बेटा मैं क्लास में भी ऐसे ही कराया है बच्चों को, ऐसे पढ़ाते हैं क्लास में भी। देखो तो क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, अब इसको तो हटा ही देते हैं।
हाँ जी मेरे बेटा, ये फंक्शन दिया हुआ है और पूछ रहे हैं कि ये फंक्शन किन किन पॉइंट्स पे या कितने पॉइंट्स पे डिस्कॉर्डेंट है। तो अभी आपने देखा 1 2 3 4 5 6, यानी 13 इज रॉन्ग। हाँ जी 13 इज रॉन्ग, 7 इज रॉन्ग, इनफाइनाइट वाला भी गलत है, सिर्फ ये लास्ट वाला करेक्ट है। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लॉजिकली चलिए, मैथमेटिशियन को लॉजिक का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो भाई अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करिए एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से लॉजिक के साथ करवाए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।